इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डेली कॉलेज जोन के कनिष्ठ यंत्री गया प्रसाद वर्मा और उसके ड्राइवर गया सुद्दीन पिता मोइनुद्दीन को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने के अनुसार कनिष्ठ यंत्री गया प्रसाद वर्मा ने बिजली चोरी का प्रकरण निरस्तारण करने के मामले में यह रिश्वत मांगी थी। आवेदक आजाद नगर निवासी सुजात खान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप कार्रवाई की। आवेदक सुजात के अनुसार मार्च 2021 में एमपीईबी की उड़न दस्ता टीम ने उसके घर में बिजली चोरी का 83,000 रुपए का पंचनामा बनाया था। जब साजिद ने यह राशि जमा नहीं की तो लगभग 15 दिवस पूर्व उसके घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद साजिद ने विजिलेंस कार्यालय में तुरंत प्रभाव से 30,000 रुपए जमा करवाकर बिजली कनेक्शन चालू करवाया। इस समय आरोपित कनिष्ठ यंत्री गया प्रसाद ने ड्राइवर गया सुद्दीन के माध्यम से आवेदक सुजात खान से संपर्क किया और प्रकरण निस्तारण के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। सुजात खान ने इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त में चक्कर की। इसके बाद सुजात की शिकायत का सत्यापन कराया गया। आवेदक से बातचीत के दौरान आरोपितों द्वारा 40,000 रुपए में प्रकरण का निराकरण करने की बात तय हुई थी, जिसकी पहली किस्त 10,000 के रूप में आज देना तय हुआ। शेष राशि प्रकरण के निराकरण के बाद देना तय किया गया। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप टीम का गठन किया और मंगलवार को आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं भादवी की धारा 120B के तहत कार्रवाई अभी जारी है।